कांग्रेस द्वारा रतलाम जिले की बची हुई 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने के बाद यहां पर प्रत्याशियों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पहले आलोट में बगावत के सुर उठे, फिर जावरा में विरोध और पुतला फूंका गया और अब रतलाम ग्रामीण उम्मीदवार का विरोध सामने आ रहा है। कांग्रेस कमेटी ने रतलाम ग्रामीण में कांग्रेस ने लक्ष्मण सह डिडोरी को टिकट दिया है, जिसको लेकर यहां पर स्थानीय संभावित उम्मीदवारों सहित कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध दर्ज कराया और पुतला दहन करते हुए पुतले पर जूते चप्पल से वार भी किया व बाहरी बताकर टिकट बदलने की मांग की। दरअसल रतलाम ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस की ओर से कई प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने पूर्व सरकारी कर्मचारी रह चुके लक्ष्मण सह डिंडोर को प्रत्याशी बनाया, जिसको लेकर यहां पर स्थानीय उम्मीदवारी जता रहे लोगों ने विरोध करते हुए प्रत्याशी बदलकर स्थानीय को उम्मीदवार टिकट देने की मांग की है। हम कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, हम उसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने जो बाहर से आके ने उम्मीदवार हमारे यहाँ बना है उसका, लक्ष्मण सिंह डिंडोर का विरोध कर रहे हैं। हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे। आप लोगों ने, आप इतने सारे सब दावेदार यहाँ हैं, अगर पार्टी टिकट बदलती है तो आप लोग एक एक नाम पे कोई राजी होंगे? कोई नाम दिया? एक नाम पे हम राजी। अगर पार्टी टिकट बदल देती है रतलाम ग्रामीण का, एक नाम पे हम लोग सब राजी है। अच्छा, अभी अगर नहीं बदलेगी तो इस स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? वो रतलाम ग्रामीण की जनता फैसला करेंगे। नहीं, आप लोगों ने पहले कहा था हम पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, तो क्या आप लोगों ने इस्तीफा वगैरह दिया है क्या? अब देखो ऐसी स्थिति बनी है तो मैं तो इतनी वरिष्ठ हूँ, कांग्रेस की 2-2 बार जिला पंचायत में रही, मैं विधायक रही, मैं ऐसे मुद्दा नहीं उठा सकती हूँ। बाकी हमारे जो साथी लोग सब अलग अलग है। अगर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया तो सब एक है, अगर स्थानीय को नहीं दिया गया तो बाकी लोगों की जवाबदारी लक्ष्मी देवी खराड़े नहीं ले सकती है।